किया रिफ्रेश सर्विस कैम्प। अरे बाप रे, इंजन हल्का सा क्या पता है, पूरा इंश्योरेंस क्लेम में जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। सो फिलहाल भी टाइम हो रहा है सुबह का, देख सकते हैं 7:45 अभी बज रहा है फिलहाल। और अभी हम लोग जाने वाले हैं किया शोरूम धनबाद, किया का जो सर्विस सेंटर उधर जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा गाड़ी में फर्स्ट सर्विसिंग के बाद थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मतलब दिक्कत नहीं बोल सकते, जो लोग सर्विस सेंटर वाला बोल रहा है ये आपका मान का व्यायाम है, फर्स्ट सर्विस में वैसा कुछ भी नहीं होता और मुझे भी पता है। लेकिन मेरा जो दिक्कत आ रहा है गाड़ी में वो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ही आ रहा है। अब वो क्या दिक्कत है मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मेरा जो इधर जो मतलब लेफ्ट साइड वाला जो को पैसेंजर साइड का जो वाला स्पीकर है, ये वाला स्पीकर मतलब खड़क, ये वाला गेट खड़क रहा है, कैसा स्पीकर में से वाइब्रेशन आ रहा है। तो ये वाला कभी कभी हो रहा है, कभी कभी मतलब जब मैं बेस पूरा एकदम बेस से गाना बजा रहा हूँ तभी वाला पूरा गेट खड़क रहा है। लेकिन बाकी तीनों डोर में वैसा कोई दिक्कत नहीं है, खाली यही वाला डोर से ऐसा पूरा आवाज आ रहा है और ये वाला साउंड काफी ज्यादा इरिटेट कर रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों, मतलब ये वाला गेट में ऐसा क्या दिक्कत है या क्या है। मैं एक जन से पूछा तो वो बोले कि इधर जो स्पीकर रहता है ये वाला स्पीकर का जो नट होता है वो ढीला हो गया। एक भैया मुझे बोले तो बोले सर एक बार सर्विस सेंटर में दिखा लेने के लिए। सो देखता है सर्विस सेंटर वाले क्या बोलते हैं, वो ये वाला चीज को रिजॉल्व कर पाता है या नहीं, देखता है उन लोग का क्या कुछ होता है। तो मैं ट्राई करूंगा वीडियो में सब कुछ दिखाने का। और ये वाला जो दिक्कत है ये वाला मतलब हर टाइम नहीं हो रहा, किसी किसी वक्त हो रहा है। मैं वो वाला वीडियो भी रिकॉर्ड किया हूं, अगर वो लोग नहीं माने तो मैं उन लोग को एज अ प्रूफ मैं दिखा सकता हूं कि बड़ा दिक्कत है, वो मैंने फोन पे वीडियो रिकॉर्ड किया। और एक दिक्कत, उसको दिक्कत नहीं बोल सकते, और एक चीज मैं देखा हूं कि हम लोग गाड़ी का जो हॉर्न है ना, ये वाला हॉर्न मतलब हम लोग का जो और एक भैया का जो सोनेट है, सो उनका सोनेट का हॉर्न थोड़ा ज्यादा लाउड है और मेरा ये वाला थोड़ा सा हल्का कम लाउड है। सो ये भी मैं सर्विस सेंटर में बोला, सो लोग बोला आप एक बार आइए हम एक बार देख लेंगे कि ऐसा सेम टू सेम रहता है या नहीं, या फिर अगर आपका हॉर्न ज्यादा हो पाएगा, थोड़ा लाउड हो पाएगा तो हम लाउड कर देंगे। क्योंकि मैं हम लोग के दोनों सोनेट का हॉर्न को कंपेयर करके देखा, मेरा वाला हल्का सा कम लाउड है, उनका वाला और थोड़ा ज्यादा लाउड है। सो देखते हैं क्या क्या होता है, ये फिलहाल तो दो मेरा दिक्कत है। सो देखते हैं बोला सर्विस सेंटर वाले क्या बोलते हैं, देखते हैं फिलहाल अभी टाइम जैसे कि मैं आपको दिखाया साथ हो रहा है सुबह का। सो वीडियो को देखते रहेगा गाइस एंड तक, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, देखते हैं उन लोग का क्या कुछ होता है, उन लोग कैसे ये सब रिजॉल्व करते हैं। ये वाला हॉर्न वाला दिक्कत तो वैसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है, ये हॉर्न में ठीक ठाक बज रहा है, लेकिन ये वाला स्पीकर का बहुत ज्यादा इरिटेट करता है ये वाला साउंड। सो वीडियो को गाइस देखते रहेगा आप लोग एंड तक। अभी हम लोग निकल रहे किया का सर्विस सेंटर, हम लोग के यहाँ से लगभग 1.5 घंटा या 2 घंटा टाइम लगा, क्योंकि हम लोग के घर से किया का सर्विस सेंटर पड़ता है लगभग 100 किलोमीटर आप मान करके चलिए। सो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज गाइज, अभी मतलब मैं पूरा गाना बजा रहा हूँ लेकिन अभी ये वाला दरवाजा एकदम से नहीं खड़क रहा, एकदम परफेक्ट बज रहा है। अभी सर्विस सेंटर जा रहे हैं इसलिए परफेक्ट बज रहा है, नहीं तो कल रात में भी मैं गाड़ी को लेकर के गया था, कल भी पूरा खड़क रहा था लेकिन अभी नहीं खड़क रहा, क्या बोले। और अभी अगर सर्विस सेंटर में जाकर के बोले, वो लोग ऐसा है कुछ दे मतलब टेम्पोररी काम कर देगा, बोलेगा कि नहीं आपका ये पूरा ठीक है। अभी मन कर रहा है कि ये वाला खड़के सर्विस सेंटर तक खड़के ताकि ये वाला मेरा एकदम परफेक्ट रिजॉल्व हो जाए, लेकिन अभी एकदम से नहीं खड़क रहा, नथिंग टू से, कुछ नहीं बोल रहे, पूरा गाना बजा रहे फुल साउंड में लेकिन एकदम परफेक्ट बज रहा है ये वाला स्पीकर। अभी गाइस हाईवे पकड़ चुके हैं लेकिन पूरा बहुत ज्यादा जाम है इधर, पूरा हाईवे में बहुत ज्यादा ट्रैफिक, पीछे हुए पूरा देखिए, पूरा एकदम ट्रैफिक चारों तरफ, इधर है टाटा मोटर्स का सा। और इसके जस्ट बाद में है किया शोरूम। जब लेफ्ट लेंगे तो आगे किया शोरूम हो रहा है। अभी अंकल पूछने आएंगे क्या है चल सर्विस।
सर्विस बुक। ठीक है ठीक है, अभी गाइस गाड़ी का फोटो वोटो सब कुछ हो रहा है, मेरा एक बार सर्विस नहीं है खाली गाड़ी में, जो आपको बोला कि बोले थे कि स्पीकर में दिक्कत है कि हॉर्न का थोड़ा काम करवाना है, बस यही। हॉर्न का तो छोड़िए, हॉर्न तो ठीक ठाक बज जा रहा है, मतलब ठीक ही है पूरा, लेकिन स्पीकर में वो वाला काफ़ी ज़्यादा इरीटेट करता है, वो जो डोर का है बहुत ज़्यादा एकदम खड़खड़ाता है पूरा एकदम। और हॉर्न वाला भी भैया बोले कि देख देंगे क्या क्या होगा सब कुछ। उधर है उन लोग का वर्कशॉप, लेकिन अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वीडियो बनाना उधर वॉश होगा पहले गाड़ी। चलो हम लोग इधर बैठते हैं लॉन्च में। अभी गाइस गाड़ी चल चुका है सर्विस सेंटर में, हम लोग घूम रहे हैं शोरूम के अंदर, शोरूम और सर्विस सेंटर एक ही जगह में, और देख रहे हैं क्या क्या गाड़ी है। किया सोनेट GT लाइन टॉप मॉडल, इसका मतलब क्रोम का लाइनिंग पूरा यहाँ तक आता है, लेकिन हम लोग जो आफ्टर मार्केट लगाए थे उसका खाली यहीं तक आता है, ये वाला पार्ट नहीं आता, ये एक अच्छा चीज़ है इसमें। इसके पीछे है HTX का नया अलॉय व्हील, ये कार्निवल। और इधर किया का एक्सेसरीज, ये देखिए हेडलैम्प गार्निश क्रोम, क्रोम डोर हैंडल, ये क्या नहीं पता। किया का जेन्युइन पार्ट्स, अब देखते हैं बाहर में किया का गाड़ी, एक बार घूम लेते हैं। अरे गाइस आ चुके हैं शोरूम से बाहर, इधर इसी वाला गाड़ी सर्विस वाला रखा है इधर वाला, अब इधर ये टेस्ट ड्राइव वाला सोनेट, इधर बाकी सारा गाड़ी रखा हुआ है। मम्मी ऐसा ये वाला लगवाने का प्लान कर रही है गाड़ी में, सोनेट में अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा ही ठीक है। अरे बाप रे, इसका हालत देख, सोनेट टॉप मॉडल है GT लाइन, देखिए क्या हाल हो गया। गाइस जब आपको बोला था किया का भी चल रहा है सर्विस कैब, तो ये देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके तो पढ़ सकते हैं क्या क्या होता है। 39 चेकअप पॉइंट्स, तो यही हम लोग की गाड़ी का आज होने वाला है। ये अभी हम लोग को मिला सर्विसिंग में, ये देख सकते हैं बैठे हैं फिलहाल कस्टमर लोग आज, और ये मिला हमको मम्मी को, और इस साइड गाड़ी का पूरा काम हो रहा है उस साइड, चलिए इसका इंजॉय करते हैं फिलहाल। फाइनली गाइस अब जाके पूरा वॉश ये सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं इधर, और ये कस्टमर लॉन्च एरिया। सो गाइस अभी मैं सर्विस सेंटर के अंदर जा करके पूरा गाड़ी का ये सब कुछ देख के, जो कि पीछे सर्विस सेंटर मैंने देखा कि गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है, तो गाड़ी के एकदम फुल एकदम जोर के साथ, फुल जोरों के साथ पूरा काम चल रहा है फिलहाल। बम्पर भी खुला हुआ, जैसा कि आप लोग देखे वाला पार्ट में मैं हल्का सा रिकॉर्ड कर पाया, तो बम्पर खुला है, हॉर्न का ये सब कुछ टेस्ट हो रहा है, और फुल एकदम गाना भी बज रहा है, जैसा कि मेरा एक स्पीकर खड़क रहा है गेट, सो इसीलिए मैं बोला कंप्लेन किया था। सो मतलब पूरा अभी सब कुछ चेकअप हो रहा है गाड़ी का, जो बेसिक चेकअप होता है। और गाइस ये प्रदीप भैया मेरे मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव जो थे, मतलब मैं जिनके पास से गाड़ी बुक किया था, सो यही वही भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप में से कोई जूही क्या धनबाद से अगर गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग शोरूम पर आइएगा और कॉन्टैक्ट कीजिएगा प्रदीप कुमार सिंह से, बोल दीजिए भैया आपके बारे में एक बार। हेलो, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह, मैं जूही क्या धनबाद से हूँ। तो इनका इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं किया सोनेट, किया सेल्टॉस, किया कार्निवल के बारे में, क्या प्राइस है वो सब, तो आप इनसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम का ID है नीचे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको जूही क्या धनबाद अगर आप आते हैं, तो आप शोरूम में आकर के बोलिएगा मुझे प्रदीप कुमार सिंह से मिलना है, तब आप ये भैया से मिल लीजिएगा, पूरा सब कुछ आप गाड़ी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू भैया, मैसेज भी आ चुका है जैसे आप देख ही सकते हैं, मम्मी का फोन में आ चुका है मैसेज, ये लीजिए गाड़ी का सर्विस हो चुका है कम्प्लीट। जब सर्विस आपका कब कम्प्लीट होता है ऐसा फोन में आपका सोनेट, तो आपके फोन में ऐसा मैसेज आ जाता है। ठीक ठीक,
सो भैया देखने गए एक गाड़ी, क्योंकि हम लोग जैसा कि और एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, सो वो वाला गाड़ी एक बार देखेंगे। सो देखते हैं क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आना बाकी है गाइस चैनल पर। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा कमाल का वीडियो आने वाला है इन फ्यूचर। सो चलिए अभी गाड़ी को लेते हैं, उसके बाद देखते हैं गाड़ी का कैसा पूरा काम हुआ है, तो बना रहेगा आपको। सो गाइस सर्विस कंप्लीट होने के बाद अभी आए रेड करने का, हम तो फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। मम्मी अभी साइन कर रही है सब जगह, देखिए। स्पेशल थैंक्स टू राजू भैया। गाड़ी का काम हो चुका है गाइस फुल डन, अभी निकल रहे हैं यहाँ से। आप लोग को भी दिखा देते हैं कैसा पूरा चकाचक हुआ है गाड़ी। गाड़ी अंदर में गाड़ी निकलेगा, अभी देखते हैं। उस साइड वर्कशॉप, इस साइड लॉन्च एरिया और इस साइड शोरूम। एकदम चमका दिया है गाड़ी गाइस, सर्विस लेकिन एक नंबर होता है, फुल सेटिस्फाइड विद किया। अभी गाइस निकलते हैं शोरूम से, किया शोरूम। देखिए गाइस गाड़ी पूरा एकदम फुल चमका दिया है। चलिए बैठते हैं, अब मैं आपको गाना भी सुनाऊंगा कि अभी पूरा कैसा हो रहा पूरा। चलिए फॉर्च्यूनर लेजेंडर, वाह हाँ, फॉर्च्यूनर लेजेंडर। फाइनली गाइस पूरा सब कुछ काम हो चुका है, शोरूम से निकल गए हम लोग। अभी मैं आपको इसका हॉर्न भी सुनाऊंगा और इसका स्पीकर भी, इस जो ये वाला खड़खड़ा आ रहा था वो मैं देखूंगा सब कुछ ठीक हुआ है कि नहीं। ऑल दो मैं देख लिया हूँ सब कुछ एकदम ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक बार दिखा दूंगा। मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि ये वाला गेट खड़क रहा है कि नहीं, एक बेस वाला अच्छा सा गाना बजा करके मैं दिखा दे रहा हूँ। हेडफोन यूज कीजिए आप लोग। लगभग ये वाला स्पीकर सही हो ही गया है अभी। अभी अगर मुझे और इसका पूरा अच्छा साउंड क्वालिटी चाहिए होगा तब मुझे डैम्पिंग करवाना होगा, तब जाके ये वाला आवाज़ एकदम चला जाएगा। अभी डैम्पिंग मेरा गाड़ी में नहीं किया हुआ इसलिए हल्का सा ये वाला गेट खड़क रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक सही हो गया है। हॉर्न बजाइए ना एक बार, हॉर्न ये देखिए, हॉर्न तो पहले जैसा ही लग रहा, हॉर्न वैसा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो लोग पूरा बम्पर खोले थे जैसा कि आप लोग देखे, ट्राई किए, हल्का सा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और अभी मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ, तो ये देखिए बिल का अमाउंट देखिए 0 रुपीज़, कुछ भी हम लोग को इसमें चार्ज नहीं लगा। ये देखिए मैं आपको सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ 0, कुछ भी चार्ज हम लोग को नहीं लगा। सो किया का सर्विस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत कोई सोचता है कि इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। इससे तो मारुति सुजुकी ये सब का इससे आपका मेंटेनेंस हाई है, लेकिन किया और ह्युंडई का मेंटेनेंस एकदम हाई नहीं है। आप लोग आराम से किया का गाड़ी ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूरा अच्छा है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा। ये वाला वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही एक मकसद था कि बस आप लोगों को पूरा दिखा देता है कि अगर आपका गाड़ी में कुछ दिक्कत आ जाता है किया का, तो वो लोग आपको कैसे ट्रीट करता है, आपका पूरा कैसा होता है, आपको कोई चार्ज लगता है या नहीं, यही बस मुझे दिखाना था। सो जैसा कि आप लोग पूरा देख लिए कि मेरा गाड़ी का जो दिक्कत था वो दिक्कत पूरा एकदम सॉल्व हो गया और मेरा कोई चार्ज भी नहीं लगा, 0 कॉस्ट में हुआ। सो किया का सर्विस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपका कोई भी वैसा कोई चार्ज नहीं लगा। नहीं तो मैं पहले सोच रहा था कि इसमें मेरा कोई चार्ज लगेगा, लेकिन कुछ भी चार्ज नहीं लगा मुझे। सो मैं तो फुल सेटिस्फाइड हूँ और ये वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को ये भी मतलब दिखा दूँ, अगर आपका गाड़ी में भी कोई दिक्कत आता है तो आप लोग आराम से सर्विस सेंटर जा सकते हैं, आपका बोला फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा रिसॉल्व हो जाएगा।
तो यही था गाइस आज का वीडियो, मतलब आप सभी को ये वाला वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। अब फिर मिलते हैं और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आज के वीडियो को बस ये पेंट करते गाइस, सो वेलकम टू टाइम्स गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, सो बाय बाय।